डिसाइड करना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है, सही है। अच्छा, अब ये अक्सर कंफ्यूजन होती है लोगों को कि भाई ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है, या वो ग्रेट लेस देन का है या ये ग्रेटर देन का है। ऑनेस्टली आप किसी साइन को कोई वर्ड नहीं असाइन कर सकते। हम कहते हैं कि जिस तरफ ये बंद होता है उस तरफ स्मॉल क्वांटिटी होती है, जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ लार्ज क्वांटिटी होती है, सही है। तो मैं दोनों तरीकों से पढ़ सकता हूँ, सही है। यहाँ पे लार्ज है और यहाँ पे स्मॉल है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2 इज लेस देन 10, मैं इसको उल्टा भी पढ़ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 2। तो जिस साइड पे खुला होता है उस साइड पे ग्रेटर होती है क्वांटिटी, जिस साइड पे बंद होता है उस पे छोटी होती है क्वांटिटी, सही है। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 22 और 21 में से 21 छोटा है, 21 की तरफ बंद हो जाएगा, ये बताओ। 0.75 और 3/4, अच्छा फ्रैक्शन है, कंपैरिजन के लिए जरूरी होता है कि या तो दोनों फ्रैक्शन हो या दोनों डेसिमल हो, सही है। ज्यादा बेहतर ही होता है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। 4 × 7 = 28, 2, 0 आया, तो दोनों बराबर है ना। 0.75 = उसने कहा था कि इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं यूजिंग द सिंबल्स लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अच्छा, एक डेसिमल है एक होल नंबर है, तो जाहिर सी बात है होल नंबर बड़ा होगा, ओके। अच्छा 1/3 की, इसीलिए मैंने कहा था देखो कन्वर्जन ज्यादा होती है ना तो फॉरन हो रहा होता है। इसकी कन्वर्जन क्या होती है? 0.333, तो 0.333 बड़ा है या 0.3 बड़ा है? 333 बड़ा है, सही है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लगा होता तो आगे जीरो लगे होते हैं, ओके। अब ये क्वेश्चन हर पेपर में होते हैं कि वो आपको एक लिस्ट देता है और कहता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो उसको अरेंज करो, ओके। 0.48, 0.408, 0.390, 0.399। अच्छा, डेसिमल्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन तब हो सकता है जब सब में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो। अब इसमें पहले वाले में दो हैं, पहले वाले में दो हैं, बाकी सब में तीन 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 है, तो मैं क्या करूंगा पहले वाले में भी तीन कर देता हूँ, सही है। डेसिमल के आगे जीरो तो लगा सकते हैं, 0.48 और 0.480 में कोई फर्क नहीं होता, सेम होता है, लेकिन अब कंपैरिजन करने में फायदा हो गया। अब मुझे बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है? थ्री नाइन जीरो, तो मैंने इसको कहा ये फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ओके क्लियर। अब मुझे बताओ कि ये जो दूसरा वाला है इसमें सारे फ्रैक्शन लिखे हुए, सारे फ्रैक्शन लिखे हुए, तो एक काम मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबको डेसिमल में चेंज कर दूं, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन, है ना, सही है। अगर सारे फ्रैक्शन है तो क्या किसी कॉमन फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता है? अगर सबके डिनोमिनेटर को बेस 20 बना दे, सही है, सबके डिनोमिनेटर को बेस 20 बना दे, मुझे बताओ कि इसके डिनोमिनेटर को अगर बेस 20 बनाना है, ये 5 लिखा हुआ है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा। अगर इसके डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो इसके न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको किससे करना पड़ेगा? 2, तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से, और ये तो 20 है पहले, तो मैंने एक कॉमन डिनोमिनेटर में सबको एक्सप्रेस कर लिया, क्योंकि नंबर ऐसे थे 5, 10, 20। अगर 5, 10 और 23 होता
तो फिर मैं ये काम नहीं करता क्योंकि 23 किसी टेबल में नहीं आता और वो मुश्किल हो जाता। सही है, फिर मैं डेसिमल में करता सबको कन्वर्ट और फिर मैं सॉल्व कर रहा होता। ये क्या बन गया, 8/20, 12/20, 6/20, 9/20, कौन सा सबसे बड़ा है? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अच्छा मुझे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना था, सॉरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं। अच्छा अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, यूं आपने ओ लेवल के मैथ के पेपर में ना यूं डॉटेड लाइन एक बनी हुई होगी जिसका आपने जाके आंसर लिखना होगा अपना। हमारी कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम ये वाले आंसर लिख कर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इनको अरेंज करने का पूछा है, तो हमने ये वाले आंसर लिखने हैं जो आपके शुरू में क्वेश्चन में, इसलिए इन पे मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। ओके मेक सेंस। अच्छा अब अगर जो है पार्ट 3 में देखो, ये भी सारे लिख लेना वंस आई कंप्लीट दिस, ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार पेपर में आएगा। अब ये देखो ये सारे अलग अलग है, तो क्या करना चाहिए, कि सबको जो है वो या तो डेसिमल में ले आए या सबको फ्रैक्शन में ले आए। बेहतर ये होता है कि सबको डेसिमल में ले आए, सही है, बेहतर ये होता है कि सबको डेसिमल में ले आए। मुझे बताओ 33% को जब मैं डेसिमल में लाऊंगा तो ये हो जाएगा 33/100, डिवाइड बाय 100 करना सिंपल होता है, 0.33 आ गया। 0.5 वैसे ही डेसिमल में, उसको ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, अभी सबके डेसिमल्स बाद में बराबर भी कर दूंगा। 3/10 क्या बन जाएगा, 0.3 आ गया। फिर ये 1/3 हमने क्या सीखा था कि क्या बनता है, 0.333 बनता है। अब मैं क्या करूं, सबके डेसिमल बराबर करूं, 3 नजर आ रहे हैं ना वहां पे, एंड में मैंने 3 लिखे हैं तो सबके 3 कर देता हूं। अब स्मॉलेस्ट कौन सा है, सही है। तो ये करना आना चाहिए हर सवाल में। ये देखो इस तरह के सवाल में दिखाऊं, हर पेपर में एक होगा। ये देखो ये पास्ट पेपर का सवाल है, आगे जाऊंगा और पास्ट पेपर के सवाल में दिखाता हूँ। अभी लिख लेना ये वाली ट्रिक्स जरा लिख लेना कि भाई मैंने किस पैटर्न में सॉल्व किया हुआ है। ये जो मैं वर्टिकली लिख रहा था ना, ये इसकी ट्रिक होती है कि भाई इस तरह वर्टिकली जब लिखा जाता है ना चीजों को, तो एक कोई ग्रेजुअल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो रैंडमली जो है वो नंबर इधर उधर लिख रहे होते कन्वर्ट कर करके। मैंने क्या किया, इनको कॉलम वाइज ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि ये जो है वो इसी की दूसरी फॉर्म है, ये जो है वो इसी की दूसरी फॉर्म है। तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई अरेंजमेंट मेरी इसी तरह वैलिड। ओके लिख लो, चलो